इस वीडियो में हम हिंदी का 2019 और 20 का जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का उसको हम देखेंगे। इसका सेट वन है, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर सब कुछ है हमारे पास। हिंदी इसके पहले संस्कृत क्लास टेंथ, देन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है। यदि आप चाहें तो देख सकते क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए गए हैं, सैंपल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रिवाइज्ड सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये हिंदी इलेक्टिव का है, एक बात याद रखना, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक। सेट वन है, यदि आपको सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर यदि आप चाहें तो हम उसे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 प्लस लाइक मिलने चाहिए। यदि हमें 10 से ज़्यादा लाइक मिले तो हम अपलोड कर देंगे और आपकी कमेंट में डिमांड होनी चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। केवल 10 लाइक आई, मुझे मालूम है आप दे देंगे, हमारे चैनल में वैसे भी 1K सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ अभी बहुत कम गिर गए हैं लॉकडाउन की वजह से। बहुत दिन तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब हम मेनली हम जो फोकस कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसके इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए होंगे, बहुत कम इंस्ट्रक्शन दिए हैं। प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड का सेक्शन है, जिसको अनसीन पैसेज दिया होता है उसको हमें करना होता है। तो आपको अनसीन पैसेज पढ़ना होता है। इस साल बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है, इस बार आपको याद रखना, जो 2021 में एग्ज़ाम देगा उसमें 20 MCQ रहेंगे, और जो अभी जो एकदम सैंपल पेपर आया है CBSE का ब्लूप्रिंट, उसमें 40 MCQ हैं इस बार हिंदी में। इस बात को याद रखना, कोरोना के कारण 30% सिलेबस हटा दिया गया था, उसके अलावा भी अब 40 MCQ कर दिए गए हैं, साप्रसंग व्याख्या हटा दी गई है 2020 का बता रहा हूँ, 2022 के लिए, उसके अलावा और बाकी ईयर्स के लिए नहीं है, केवल 2022 के लिए। कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं, बहुत कम टाइम बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है और पढ़ाई को सिंपल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है, और एक गद्यांश दिया होता है, और एक काव्यांश दिया होता है, उसको आपको पढ़ के उसके अर्थ बताना होता है। इसके लिए आपको जो जो मेन चीज़ लर्न करनी है उसको याद कर लीजिए। आपको सबसे पहले करना है भाषा कैसी है उनकी, भाषा कैसी है, भाषा विशेषता, भाषा शैली उनकी कैसी है, सबसे पहले आपको इसी चीज़ पे फोकस करना। देन अलंकार, कौन सा अलंकार है, उसके बाद शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीन में से कौन सा है, इसको भी मैंने सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी वो ज़्यादा शेयर किया गया था उस वीडियो को, मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। देन हमारा था गुण, उसमें कौन सा गुण है, प्रसाद गुण, एक बात याद रखना प्रसाद गुण सभी में होता है, तो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और देशज और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, आधे लोग तो ऐसे ही चले गए होंगे स्किप करके वीडियो। देन पढ़े थे, हमारा जो मेन फोकस है वो है रचनात्मक लेखन है, ग्रामर तो होता नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप स्किप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं यदि आपका मन हो क्वेश्चन लिखने का, या आपको रीड करने का मन हो। जैसे मैंने अब्राहम वंश, जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, काव्य पंक्ति में देवसेना क्या कहना चाह रही, देवसेना कौन थी, मालवा की राजकुमारी थी।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त जो उनका एक नाटक था उसमें था ये देवसेना का गीत। तो चलिए अब हम हमारा जो मेन चीज़ है हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस, और यदि आप चाहें तो मैं भी आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ यदि कमेंट आए तो। सेट टू का हमारे पास सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, 2017, 2018, 2019, 2020 सभी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। यदि आप चाहें तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यह तो हमारे आप पोस्ट के सेक्शन में जाकर भी पा सकते हैं। तो चलिए मेन जो हमारा है सॉल्यूशन देखना उसे हम दिखा देते हैं। तो चलिए हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपटे गद्यांश में कप का जो क्वेश्चन था का, वो है राष्ट्रहित की भावना की अपेक्षा स्वयं का हित की चाह। लोग क्या करते हैं अपने देश से ज़्यादा खुद से प्रेम करने लगते, बस ये वास्तव में कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए। संग देन हम आगे चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश की कैसी विचारधारा, पूरा विश्व ही एक परिवार है, एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। चलिए तो निबंध लेखन है। इस साल तो आपको निबंध लेखन नहीं है इसलिए हम उतना ध्यान नहीं है, हमें मेन ध्यान देना था लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे भूमि, भूमिका और उपसंहार, ये आपको एकदम लास्ट में लिखना रहता है उपसंहार। विषय वस्तु देखा जाएगा। एक बात याद रखना, जो ये जो है 8 मार्क्स का है निबंध लेखन जो था, 1 मार्क्स का सबसे पहले आपकी भूमिका और 1 मार्क्स का उपसंहार। देन भाषा प्रस्तुति, आपने कैसी भाषा, एक्सप्रेशन जिसको इंग्लिश में हम मेनली एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें स्पेलिंग देखी जाती है, जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो देखे जाते हैं। उसके बाद पत्र लेखन, आरंभ और अंत की औपचारिकता है वो 1 मार्क्स का है। विषय वस्तु 3 मार्क्स की, और जो आपकी भाषा है कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो 1 मार्क्स का है। कि नहीं, 4 के उत्तर अपेक्षित हैं। ये आपको 5 दिए गए, इनमें से किसी 4 का आंसर देना है। उसके बाद साप्रसंग व्याख्या में आप कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आप याद रखें। इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स भी देंगे आपको, जैसे लेखक परिचय के लिए उसको आसानी से कैसे कर सकें उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं काव्यांश। एक काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या, सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग में 1 मार्क्स दिया जाएगा। संदर्भ में 1 मार्क्स, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पहले अभी क्या होता था, 4 मार्क्स का दिया जाता था पहले, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, 1 मार्क्स का संदर्भ और प्रसंग आता था, लेकिन अब जो है वो 6 मार्क्स कर दिया गया है। तो 1-1 मार्क्स के ये हो गए, 1 मार्क्स का संदर्भ और 1 मार्क्स का प्रसंग। देन 3 मार्क्स की व्याख्या और 1 मार्क्स का विशेष। पहले क्या था, 4 मार्क्स का था तो काफ़ी कम मार्क्स मिल पाते थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको कुछ जो है विशेष इस तरह लिखना है, खड़ी बोली है, प्रस्तुत काव्यांश में खड़ी बोली है, या देशज या शब्दों का देशज, तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक भाषा यानी कि लक्षण शब्द शक्ति है, छंद मुक्त रचना है, अनुप्रास मानवीकरण अलंकार। ऐसे नहीं आपको लिखना है एग्जाम्पल, अनुप्रास अलंकार कहाँ है, मानवीकरण अलंकार कहाँ पर है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, गुण कौन सा है, माधुर्य गुण
ओज गुण और प्रसाद गुण तीन होते हैं मेनली गुण। ये आपके क्वेश्चन आंसर इनमें शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है, आपको ये देख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, या तो आप केवल रीड भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तत्सम शब्दावली है, मुहावरों और सजीव प्रयोग है, विविचात्मकता लाक्षणिकता। आप भाषा शैली के लिए मेनली कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनकी भाषा सरल सहज सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है, जिसमें तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही मुहावरों और लोक्तियों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा उनकी शैली भावात्मक विचारात्मक चित्रात्मक एवं संवाद शैली है। उनकी भाषा संस्कृत और समावेश की खड़ी बोली। ये आप किसी भी लेखक की भाषा शैली में लिख सकते हैं, क्योंकि तत्सम और देशज शब्दों का सभी प्रयोग करते हैं, सबकी भाषा सरल सहज सुबोध एवं प्रभावपूर्ण होती है। और जो शैली होती वो ऐसे ही होती, भावात्मक विचारात्मक चित्रात्मक एवं संवाद शैली होती है। इस पर 30% सिलेबस हटा दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है 100% सिलेबस में से जो टोटल सिलेबस है पूरी बुक का, उसमें से 30%, पिछले साल भी कुछ थोड़ा बहुत चैप्टर्स हटाए गए थे 5% लगभग सिलेबस, इस बार 30% हटा दिए गए हैं। तो ये थे हमारी 33 पेज की इतनी लंबी आंसर शीट। यदि आप चाहें और कमेंट करेंगे तो हम 2018 के टॉपर की हमारे पास आंसर शीट आ गई है, तो हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो फिर दूसरे चैनल में तो अपलोड होगी, फिर दूसरे चैनल में।